अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अगेन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ओल्ड क्लॉथ रीयूज आइडिया एंड उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि आजकल मैं पुराने कपड़ों का रीयूज कर रही हूँ एंड आप लोगों के साथ कुछ आइडिया शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आप पुराने कपड़ों और पुराने कुर्तों को रीयूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास अब इतना ही कपड़ा बचा है एंड इसे आप कतरन कह सकते हैं। कुछ प्रिंटेड है और कुछ प्लेन है और इस तरह से भी कुछ डिजाइन वाला कपड़ा है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मेरे दिमाग में दो आइडियाज हैं एंड वो मैं इनसे बनाकर तैयार कर रही हूँ एंड उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा पहला DIY। तो यहाँ पर मैं ये वाला कपड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ, ये जो नीचे का बॉर्डर एरिया है वो इस्तेमाल करेंगे। साथ ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये कार्डबोर्ड का बॉक्स और ये जो आपको ऊपर का ये जो पट्टी सी निकली नज़र आ रही है उसे हम काट कर अलग कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये देखिए ये जो ऊपर का हिस्सा है वो भी काट दिया है मैंने। अब मैं इसमें हाफ सर्कल ड्रॉ करूँगी। पहले मैंने थोड़ा ऊपर किया था बट वो बहुत ऊपर हो रहा था तो मैं थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर रही हूँ। दोनों तरफ मैं ड्रॉ करूँगी और इसे मैं काट लूँगी। इस तरह से ये जो साइड का कार्डबोर्ड है वो भी हम नाप से इस तरह से काट के अलग कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सेलो टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ और सेलो टेप से मैं इसे अच्छी तरह से चिपका दूँगी ताकि ये निकले ना। अब मैंने कपड़े को भी इस तरह से हाफ सर्कल में काट लिया है और इसके नाप से ही काटा है मैंने और अब मैं इसमें ग्लू की मदद से इसे अच्छी तरह से चिपका दूंगी। दोनों साइड से हम इसे अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे दोस्तों, ग्लू की मदद से चिपका देंगे। दोस्तों अब बारी आती है इसमें डेकोरेशन करने की। तो यहाँ पर मैं पतली पतली गोल्डन लेसेस है मेरे पास जो मैं यहाँ पर इसमें चिपका दूंगी और इस तरह से हमारा खूबसूरत सा टिश्यू बॉक्स बनके तैयार हो जाएगा। अब बारी आती है हमारे सेकंड DIY की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह की ये जो डिज़ाइन है बहुत अच्छी लग रही थी मुझे तो मैंने ये दोनों काट के निकाल ली है। हमें इस तरह की चार पीसेस कट करने हैं, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों अब हम इसे उल्टा करेंगे इस तरह से और हम इसमें सुई धागे की मदद से इसमें सिलाई लगाएंगे, ठीक है। एक एक तरफ से हम इसमें सिलाई लगा देंगे। देखिए दोस्तों मैंने इस तरह से इसे हाफ सिला था। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ रुई और रुई डालकर मैं इसे अच्छी तरह से पैक करके सिल लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं इसमें रुई डाला मैंने पहले और अब मैं इसे ऊपर से अच्छी तरह से सिलाई कर दूँगी। दोस्तों यहाँ पर मैं गोल्डन कलर की छोटी और बड़े साइज़ की मोती इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें मैं वन बाय वन इस तरह से इसमें मोती में लगा दूँगी और इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दूँगी।
यहाँ पर मैं ब्लू कलर का एंकर थ्रेड इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे मैं बना रही हूँ कुछ टैसल्स। ये देखिए दोस्तों, मैंने टैसल्स बना लिए हैं। इसमें मैंने मोती और ऊपर जो इयररिंग में जंप रिंग लगते हैं वो भी लगा लिए हैं, और इसे मैं जो हमारा नीचे की डिज़ाइन थी वहाँ पर मैंने इसे तीन तीन लगा लिया है। इस तरह से हमारे खूबसूरत से इयररिंग बनके तैयार हो गए हैं। पीछे की तरफ मैं इयररिंग हुक लगा दूंगी दोस्तों। यहाँ पर मैं गोल्डन कलर के ही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हमारा जो इयररिंग है उसमें गोल्डन कलर का इस्तेमाल हुआ है। इस तरह से मैंने इसे ग्लू की मदद से चिपका दिया है। छोटे छोटे यहाँ पर मैंने कपड़े के पीसेस काट लिए हैं और उनमें सुई से छेद करके अब मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से फिक्स कर दूंगी, ताकि ये पीछे से भी अच्छी तरह से मजबूत हो जाए। और ये बहुत ही खूबसूरत से इयररिंग बनके तैयार हुए हैं। आई होप ये दोनों आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे।